इसलिए आपको याद रखना है कि हम क्या कर रहे हैं। प्रैक्टिस चेंज होना चाहिए मैक का आपको सर्टिफिकेट मिलने के बाद, रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद। यूरी वन थेरेपिस्ट को 20 पेशेंट डेली मिलना चाहिए। कितना? मिनिमम 20। ये टारगेट रखो। हमने कैसा 90 प्लस मार्क्स मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए। हम पहले दिन से बोल रहे नहीं, मेरा पीठ दबा थपथपा रहा हूं, ऐसा मत पूछिए, मुझे सोचिए। मेरी एनर्जी वैसी है कि हम जो काम कर रहे हैं तो हमें सक्सेस तो मिलना चाहिए। नहीं तो दो चार पेशेंट के लिए इधर में गया उधर में गया, आने जाने में गए 4-4 आवर्स। नो, जैसे क्लिनिक्स में बैठते हैं डॉक्टर्स, उसके सामने महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर काउंसिल हमने लाया है, उसी प्रकार का नॉलेज आपको लेना चाहिए। मैं 5-6 ईयर से इसमें हूं ओनली, लेकिन मेरे पीछे मेडिकल नॉलेज, मेडिकल ज्यादा पेशेंट थे, इसके वजह से मैं इतना ठाम होशली बोलता हूं। ये क्या जादू की का मतलब, जादू नहीं है, मैंने बहुत नॉलेज थोड़े टाइम में लिया, ऐसा नहीं है। मैं पहले काम करता था, ओनली मैंने ट्रीटमेंट का मेथड चेंज कर दिया। तो ये याद रखना चाहिए कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो देता है लेक्चरर, उनके कोर्स कीजिए, बाकी मत कीजिए। आप ज्यादा सीखिए ऐसा कुछ नहीं है, जो वन सुजोक की मास्टरी कीजिए, टीसीएम की मास्टरी कीजिए। अभी मैं जो ला रहा हूं उसमें मेरा वन टाइम कोर्स कर दिया समझो, मतलब आज से मैं बोल रहा हूं, आज जो बात बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। समझो आपने सुजोक वन का कोर्स कर दिया और लाइफ लॉन्ग मैंने कभी भी सुजोक कोर्स आगे ले लिया, तो आपको फ्री एडमिशन। क्या बोल रहा हूं मैं, रिवीजन कुछ नहीं लूंगा। आज से मैं क्लियर किया कि मैंने पैसा ले लिया तो आप भी जो पेशेंट के साथ सामने से पैसा लोगे ना ज्यादा, मैंने ज्यादा लिया तो हमने तो पैसा खर्च कर दिया है तो मुझे लेना, ऐसा बॉडी के अंदर होता है वो। तो मैं आज से बात करना बोलता हूं कि समझो कि सुजोक वन में आपने मेरा कोर्स कर दिया, कभी भी रिवीजन को आपको आना है तो आप कभी भी आ सकते हैं फ्री ऑफ में, ओनली एक नंबर होगा मेरे लिए। कौन सा भी कोर्स हो, मतलब टीसीएम का कोर्स हो या स्कैल्प एक्यूपंक्चर का हो या कौन सा भी हो, अभी हमने तो पैकेज रखा है। वन टाइम आई है 5 डेज ऑनलाइन थ्योरी रहेगी और 5 डेज टोटली प्रैक्टिकल रहेगा। मैं ऐसा सोच रहा हूं, और 10 स्टूडेंट ओनली। तो जिनको करना है कुछ करके दिखाना है तो मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, आइए। ओके, तो वह भी हम 13 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन मुझे जो प्रैक्टिस अच्छा करता है उनको नॉलेज है पूरा, कुछ भी नॉलेज नहीं हो नहीं चलेगा, कुछ भी टीसी मालूम नहीं है, स्कार्फ कभी भी सुना नहीं है, आयरिकुलर नहीं आता है मालूम नहीं है, कपिंग नहीं आती है, पीएनएसटी का नाम भी सुना नहीं है, ये ऐसा है तो उनको नहीं परमिशन। लेकिन उन्हें मालूम है, वो थोड़ा बहुत करते हैं, और उसमें मैं एडवांस बताऊंगा 100% रिजल्ट, पूरा थ्योरी पूरा लेक्चर नहीं दूंगा मैं, ओनली टिपिकल पॉइंट के ऊपर जाए। पेशेंट को एनास्थेसिया देना चाहिए, लोग लेक्चर बोलते हैं, सचमुच एनास्थेसिया देके किसी ने टूटे दांतों का ऑपरेशन किया है तो वो कैसा करना है, और मैं दिखाता हूं पेन डेंटल प्रॉब्लम पेशेंट को, डेंटिस्ट डॉक्टर को कॉल करके क्लिनिक में बुलाएंगे, पेन का पेशेंट भेजिए, हम ट्रीटमेंट करेंगे, आप दांत निकालिए। इस तरह का प्रैक्टिस जो कोई करता है उससे आप कनेक्ट रहिए, और आप वही प्रैक्टिस करते आपका प्रैक्टिस बढ़ाइए। ओके, इस तरह आज का मेरा मकसद था क्लास लेने का, सुजोक वन से आप
100% प्रॉब्लम में से 90% अबव प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सुजोक इज द स्टैंडर्ड करेस्पोंडेंस सिस्टम, सबसे अच्छा। उसके बाद हमने बोला है कि टीसीएम और प्रैक्टिकली नॉलेज, नीडलिंग कैसा करना है, सोके कैसा करना है, ग्वार बेल्ट 34 कैसा लगाना है, ये SP9 कैसा लगाना है, स्टमक 36 कैसा लगाना है, स्प्लिन सीज कैसा लगाना है। उसके साथ साथ आपको कैटगट कैसा लगाना है, रेन 12 रेन 70 के ऊपर, यूबी 11 के ऊपर। उसके साथ एरिकुलर में आपको कैटगट कैसा लगाना है, ये भी मेरे कोर्स में, वो एक बार कोर्स कर दिया, अब मेरा कभी भी वो रिवीजन होगा वो आपको टोटली फ्री रहेगा। सुजोक वन हो या टीसीएम हो या कपिंग हो या पीएनएस, कोई भी हो, पूरा पैकेज है मेरा, वो ओनली मेरे यहाँ खाना पीना सब कुछ वो मैनेज कर दिया है एक्चुअली। तो आप प्रैक्टिकल के ऊपर जाइए, पेशेंट के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट का जोर मत लगाइए, और बाद में आपको कॉन्शियस लेवल से समझना चाहिए कि उनको क्या हुआ है। तो मैं अभी क्वेश्चन आंसर सेक्शन में पार्टिसिपेट लोगों को बोलना चाहता हूँ, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो बताइए। हाँ, जिनको क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अभी मैं फर्स्ट कुणाल सर को लेता हूँ। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते बोले सर। अच्छा, जो अभी बेसिक सुजुक सिखाएंगे, उसमें मेरिडियन लेवल भी रहेगा ना, कि कौन से मेरिडियन ऐसा, जैसे हम लोग कि डायरेक्ट आप ट्रीटमेंट सिखाएंगे। समझ में आया, बेसिक वन जो हो रहा है, होने वाला है, इसमें आपको कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, निडल थेरेपी, सीड थेरेपी, टच थेरेपी, उसके साथ साथ पीएनएसटी, मोक्सा, आइस एंस्टिक, लीप, ऑल ओवर जो टेक्निक्स है टोटल वो सिखाएंगे। कोई कोई लोग मैग्नेट थेरेपी के लिए 2000 या 1000, कलर थेरेपी के लिए 1000, ऐसा नी पेन के लिए 1000 या 500 ऐसा करते हैं। नो, हमने प्रोफेसर पाव जू के यहाँ सीखे हैं, अथॉराइज लेक्चर बने हैं, तो हम स्टैंडर्ड जो है पूरा देंगे, हम पूरा खोल के देंगे, बटवा कहा कुछ भी नहीं रखेंगे। इसमें आपको कि लंबर स्पॉन्डिलिसिस हो या सर्वाइकल हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, माइग्रेन हो, तो आप सुजो कौन से कैसे टिक करे, और उसमें कैसा जिम्मी पकड़े, कौन सा वो टोक आपको यूज करना है, ये पूरा डिटेल आएगा उसमें। ओके सर, इसमें मेरिडियंस नहीं आएंगे सर। यस सर, मेरिडियंस ये सुजो बाकी मैंने सुजो लेवल 2 लेवल 2। हाँ सर, मैंने एक क्लास किया था मुलुड में, सुजोक का 1-2 किया था, एक पंचर में बैलेंस का मेथड किया था। हाँ, तो काफी मतलब पेशेंट नहीं देखने की वजह से याद नहीं रहता। मैं वही तो बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल इज मस्ट, थ्योरी से नहीं होगा, थ्योरी अलग जाएगी। मैंने ऐसा पॉइंट दिखाया, ऐसा या सेंटर में आपको नावेल है, लेकिन जब जाओगे आप तो सोचोगे यार ये अपर डायाफ्राम लाइन इधर है, यहाँ कैसा आएगा। इसलिए क्लियर कर रहा हूँ आपको, रिवीजन क्लास में बैठिए मेरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको जो जो नॉलेज नहीं मिला था उससे बेटर नॉलेज मिलेगा। मतलब वो लेक्चर ने बराबर सिखाया नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं ठोक ठाक से ऐसा मार के आपको बताऊंगा यहाँ रिजल्ट मिलेगा। करो, वॉल बैडर निकालना है आपको, किडनी स्टोन निकालना है, वो आपको सुजोक में बहुत अच्छे रिजल्ट है। सुजोक वन में ओनली सिंपल कि आप ओनली किडनी बीन्स लगाने से किडनी स्टोन निकलेगा क्या, उसके लिए यूरिनरी ब्लैडर कैसा है, उसका पाथवे कैसा है, वहां बार में कैसे यूज करना है, जिसे सिंपल, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, ये प्रैक्टिकली होगा। मतलब मैं ज्यादा सिखाता हूँ ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आपको, मतलब मेरा बोलने का तरीका ये है, पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन पूरा बटवा खोल के दूंगा। ओके चलो, ओके सर, ओके सर। सुनीता जी। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते बोलिए। मुझे है ना तो हिप जॉइंट AVN का पॉइंट समझ, हिप जॉइंट के लिए। हाँ, तो आपको, आपने सुजो किया है? यस सर। हाँ,
अथॉरिटी लेक्चर या कहाँ से? सर मैंने ना गवर्नमेंट का किया था, महाराष्ट्र महाराष्ट्र का इसका, तो वहां पर सुजोग और एक्यूप्रेशर किया था। लेक्चर का नाम बताए? डॉक्टर जे बी शिंदे। ठीक है, बहुत अच्छे डॉक्टर है लेकिन अथॉरिटी नहीं है वो। ओके चलो आगे जाएंगे। देखो आपको हिप के ऊपर एवीएन हिप आपको देखा जाए कि दो यहाँ आपको, मतलब हमारे हमें कितने लेग हैं, हमें कितने लेग हैं? टू, दो लेग्स हैं, टू लेग्स हैं। तो ये समझो कि ये पाम है, ये अब्डोमेन है। ओके ओके, अब्डोमेन है, अब्डोमेन के नीचे हमारे बैक अब्डोमेन के नीचे, मतलब बैक के नीचे कितने पैर है? दो पैर है। मैं सुजोक बाड़ी में ये बैक अब्डोमेन है, मतलब यहाँ दो लेग होना चाहिए, करेक्ट? दो लेग होना चाहिए, मतलब दो फिंगर का एक लेग। ओके, ये याद रखिए आप, दो फिंगर का एक लेग, मतलब आप आर्म को भूल जाइए, ये आर्म है, लेफ्ट है, राइट है, ये भूल जाइए। ओके, जब आपको ईवीएन को ट्रीटमेंट करना है तो आपको ये लेवल से आपको ट्रीट कर सकते हैं, यहाँ से आप ट्रीट कर सकते हैं, हिप ये दिख रहे हैं, और आप यहाँ से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यहाँ ये दिस इज राइट और दिस इज लेफ्ट हिप। ओके, ईवीएन आप ट्रीट करते समय तो आपको ये दो पैर एक साथ, दो फिंगर्स एक साथ लेके ये दो पैर को आपको करस्पॉन्डिंग एरिया से कनेक्ट कीजिए और आप ट्रीटमेंट कीजिए। तो ईवीएन को कम करना है तो आपको इस लाइन से भी आपको ट्रीटमेंट करना है, ग्रोइन एरिया जो है ना, इस बोन करस्पॉन्डिंग सिस्टम आपको यूज करना चाहिए, उसके साथ साथ आपको योगा करस्पॉन्डिंग सिस्टम यूज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? योगा करस्पॉन्डिंग सिस्टम, योगा, योगा करस्पॉन्डिंग सिस्टम मतलब क्या? ये हाथ आर्म ऊपर और पैर ऊपर, बीच में से पैर। ओके, मतलब साइड से आर्म हुए और बीच में से पैर हुए। और एक योगा ऐसा है कि पैर जो है हमारे, पैर जो है बाहर होते हैं और हाथ अंदर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पोजिशन हाँ। अंदर आर्म और बाहर पैर, ये पैर समझो और अंदर आर्म। इसमें हमारे जो करस्पॉन्डेंस आते हैं सुजोक में, जो लेग होते हैं वही आर्म होते हैं और जो आर्म है वही लेग होते हैं। इसी तरह के आपको ईवीएन में ट्रीटमेंट करना है तो आपको 101% इसमें आपको देखना है इनसाइड क्रोइन एरिया, बोन करस्पॉन्डेंस सिस्टम और स्किन करस्पॉन्डेंस सिस्टम भी देखना है, उसके साथ साथ आपको योगा करस्पॉन्डेंस सिस्टम भी का यूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू अथॉराइज्ड जो आईएसए का सिलेबस है, उसमें योगा करस्पॉन्डेंस सिस्टम नहीं है लेकिन हम सिखाएंगे। ओके, उससे बहुत बेनिफिट है उसमें। ओके मैडम, तो इस तरह आप ट्रीटमेंट कीजिए ईवीएन के ऊपर ओनली, नॉट ओनली करस्पॉन्डेंस, उसमें 5-step formula आपको यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 5-step formula। तो 5-step formula में आपको करस्पॉन्डेंस एरिया आएगा, 3-point method आएंगे, और जो आपको पैथोजेनिक कौन सा ऑर्गन आता है वो आपको देखना पड़ेगा, और उसका ईवीएन से कनेक्टेड जो वर्टेब्राज है कौन सा, नर्व कहाँ से पास होते हैं वो आपको पॉइंट सिलेक्शन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ उनको डाइट फॉर्म होना चाहिए, उसको एक्सरसाइज होनी चाहिए, तभी वो ईवीएन का प्रॉब्लम सॉल्व होने में हमें हेल्प मिलता है। नॉट ओनली ट्रीटमेंट, हाउ टू प्रैक्टिस सुजोक या हाउ टू प्रैक्टिस एक्यूपंक्चर, इसका एक अलग कोर्स होगा, वो मैं फ्री करने वाला हूँ, जो टोटली फ्री करने वाला हूँ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। ओनली पॉइंट लगाने से नहीं हो जाएगा, आपको डाइट में आपको चेंज करना पड़ेगा, आपके एक्सरसाइज में आपको चेंज करना पड़ेगा, और उसके साथ लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, तभी आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। वो कैसा करना है, क्या करना है, आगे हम जाके हम इस नवंबर के एंड में वो कोर्स लाएंगे, और एक दो दिन के बाद हम ये कोर्स ला रहे हैं, उसका नाम है कि डेंटल, मतलब फ्री में होगा वो डेंटल, दांतों का प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करें। ओके, टूथ पेन रहता है ना, वो कैसा सॉल्व करें, सुजोक से कैसा स्टार्ट करना है, सॉल्व करना है, प्लीज कोई बता सकता है? जसवंत जी, चतवन जी, पार्शियल सिस्टम में। हाँ, तो पार्शियल सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं? एनिमल करस्पॉन्डेंस, एनिमल करस्पॉन्डेंस। तो आप जो दांतों का जो प्रॉब्लम है, जो पेन संबंधित है, तो आप उसी तरह आप देख के उसको
ग्रीन कलर लगा सकते हैं, कौन सा टाइप पेन हो रहा है वो डिटेल वो कोर्स में आता है, या बताने को नहीं होता है। अभी हम जाएंगे, किसी को क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं। थैंक यू सर। ओके वेलकम। कोई क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि सुजोक जो है, प्रीति जी वेलकम, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आपने अच्छी तरह से करने की कोशिश की, तो रिजल्ट ट्रीमेंडस है। तो हम जो प्रैक्टिस करते हैं मोस्टली, प्रीति जी वेलकम, बोलिए। हाँ सर, गुड इवनिंग सर, स्माइलिंग सर, स्माइलिंग। हाँ सर, किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे हिप बोन में फ्रैक्चर हो गया, सो हाउ कैन वी हेल्प, मतलब उसको सर्जरी अवॉइड करने में क्या हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अभी मैं एवीएन का आज ही पेशेंट, और उस एरिया में फ्रैक्चर है, आज ही विजिट गया था मैं, अभी 7:30 को आया हूँ मैं, फर्स्ट सेक्शन किया, उनको सेटिंग दिया है ट्रीटमेंट, तो 6 मंथ से वो बेड रिडन पेशेंट है। तो फ्रैक्चर, हेयर फ्रैक्चर है, तो और एज है अबव 60, तो मोस्टली डॉक्टर लोग अवॉइड करते हैं, डॉक्टर अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको भी टेंशन आता है अभी, क्यों नाम बदनाम करने का, बहुत सारे मुझे प्रैक्टिस करने में पेशेंट है वो लेके, क्यों नाम बदनाम करो, इसलिए पेशेंट को अवॉइड कर रहे हैं। एक्चुअली अबव 60 के ऊपर कोई फ्रैक्चर है, वर्टेब्रा में है करते हैं, एक्चुअली स्पाइन में है तो, लेकिन हिप में है तो वो अवॉइड करते हैं, बेड रिडन, ये उनके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। हाँ, और एक मैं बात बोलना चाहता हूँ, हमारे एक मेहमान है, रिलेटिव्स है, उनको डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, लंबर 2-3 में प्रॉब्लम था और बहुत पेन था उनको, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था, तो ऑपरेशन बोलने के बाद उनको, वो एक ऐसा पर्सन है, कोई भी चीज करना है वो हिस्ट्री में निकालना चाहिए, ऐसा उनका सेंटेंस है, फर्स्ट, कुछ भी बनाना है, एक चेयर लेना है या कुछ फंक्शन करना है, सिंपल सा भी हो तो एस्टीमेट होना चाहिए, एस्टीमेट पहला निकालता हूँ, वो बैठता है कि नहीं देखता हूँ, उसके बाद करना है या नहीं करना है, ऐसा उनका माइंड में आता है। तो वो ऑपरेशन करना है तो डॉक्टर को, उन्होंने सब कुछ बीकॉम हुआ है उनका, और वो पूरा वो बैंकिंग लाइन का क्षेत्र में है, तो उन्होंने डॉक्टर को पूछा कितने दिन मुझे रेस्ट लेना पड़ेगा, तो डॉक्टर बोले 6 महीने तो आपको रेस्ट लेनी पड़ेगी ऑपरेशन करने के बाद भी। तो मैं पहले जैसा अभी मैं थोड़ा बेंड करता हूँ उसी तरह बेंड कर पाऊंगा, तो डॉक्टर बोले आप बेंड नहीं कर पाओगे, आप कुर्सी के ऊपर बैठना है, कुर्सी के ऊपर खाना खाना है, नीचे नहीं बेंड करना है, इस तरह आपको कितना खर्चा आता है, डॉक्टर ने बोल दिया 2 लाख खर्चा आता है। तो उन्होंने कैलकुलेशन किया, एस्टिमेट निकाला, तो पूरा उनका काम वो सबको 10 लाख के आसपास गया, और वो 100% नहीं होता है, इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया कि डॉक्टर ऑपरेशन करने के बाद कितना महीना रेस्ट करना है, 6 मंथ रेस्ट करना है, उन्होंने सोच लिया कि मैं 3 मंथ रेस्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, 3 मंथ 10 लाख खर्चा आता है अली, तो भी मैं रेडी नहीं होऊंगा। तो उन्होंने 3 मंथ क्या कर दिया, वो बेड के ऊपर सोया ऐसा, और सबको बताया कि इसका ऑपरेशन हुआ है, इसको कुछ बोलना नहीं, मेहमान नहीं आना है, वो उठाने का नहीं, कुछ नहीं करने का, इस तरह वो बेड के ऊपर 3 मंथ सोया और उनका बैक का प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया। ये याद रखिए, ये मेरा मेहमान है, कभी मैं उनको क्लास में लाता हूँ, एक्चुअली वो मेरे सामने हुआ है, हम हंसते थे, अरे यार कुछ तो करो, हम हंसते थे, वो उन्होंने उठा ही नहीं, उन्हें खाने सर्जरी हुआ ही नहीं, मतलब नहीं सर्जरी नहीं हुआ, रेस्ट इज मेडिसिन, ट्रीटमेंट, रेस्ट याद रखो, हम रेस्ट नहीं करते हैं, पेशेंट को भी नहीं बोलते हैं ये थोड़ा काम कम करो, नहीं चलता है, ऐसा दबाव होता है, ऐसा नहीं होगा, ये अभी ये हमारा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है, आप मत लोग कीजिए, अभी जो आने वाली जो पीढ़ी है हमारी सुजोक में, एक्यूपंक्चर में, और हम जो सिखाएंगे दूसरों को, हम भी फ्रेश लेक्चरर है अभी, तो हम नहीं सिखाएंगे सब कुछ कम होता है, हम नहीं बोलेंगे विदाउट डाइट विदाउट एक्सरसाइज सब कुछ कम होता है, हम क्यों बोले, हमने एक्सपीरियंस लाया है, हमारे लेक्चरर्स ने नहीं बोला तो नहीं, हम नहीं, हम फ्रूट थेरेपी लाएंगे, नेचुरल थेरेपी लाएंगे, उसके साथ आप ट्रीटमेंट करने के लिए कहेंगे, इस तरह का हम हमारा प्रैक्टिस आगे जाएंगे। सर एक बात बोलना था, मेरे फादर इन लॉ को स्लिप डिस्क हो गया था, मतलब अचानक ही वो उठ नहीं पाए, तो उनको जाके लिटाए, और फिर बाद में उनके जो लंबर एरिया है
उस एरिया पे कंटिन्यूस मैंने उनको 4 दिन तक मोक्षा रखा है सर, मोक्षा ट्रीटमेंट दिया. उसके धीरे धीरे फर्स्ट डे दिया तो थोड़ा सा उठे, सेकंड डे दिया तो थोड़ा अच्छा लगा, और फिर बाद में फोर्थ डे तो उन्होंने बोले अब मैं जाके ऑर्थोपेडिशियन को दिखा के आता हूँ. खड़े ही नहीं हो पा रहे थे. देन जो वो खुद अपना बड़े शांत से बैग वैग लेके गए, अपना जो भी उनका फाइल वाइल था, बट बोल रही हूँ कि ही कुड नॉट गेट अप एंड मोक्षा हैज हेल्प्ड मी इन दैट मैनर. बहुत अच्छी बात है. इट इज वेरी वेरी गुड. मोक्षा इज द बेस्ट थेरेपी फॉर द पेन. कोई भी पेन हो या ट्रामा हो तो वो कोल्ड होता है, कोल्ड एनर्जी एक्सेस होती है, तो आपको मोक्षा से आपको टोन करते हैं, मतलब हीट बढ़ाते हो उसके, तो आपको फायर की गरज, मतलब फायर चाहिए एनर्जी, तो आप मोक्षा से मिलेगी तो उनको बेनिफिट मिलेगा. तो फायर और वाटर आपको रिलेशन मालूम है, तो मोक्षा ही इम्पोर्टेंट है. और मुझे लगता है कि देखिए कोई भी चीज चेंज हुई है, स्लीप डिस्क बोले तो चेंज हुई है, स्ट्रक्चर चेंज हुआ है ना, कोई भी चेंज करना है. ये समझो ऐसा टेढ़ा है, ये टेढ़ा है ऐसा, इसको आपको स्ट्रेट करना है, तो यहाँ तो आपको गर्म करना पड़ेगा तभी वो स्ट्रेट होगा. नॉर्मल कॉन्शियस लेवल से आप यूज करोगे ना ट्रीटमेंट, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है. मोक्षा इज पावरफुल और बहुत अच्छा, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल. आपको करेक्ट करने का आना चाहिए. और आपने जो समझो कि जिंगर यूज कर दिया, आला यूज का यूज कर दिया, तो बहुत ट्रेमेंडस रिजल्ट मिलता है मोक्षा से. मैंने तो डायरेक्ट वो बड़े वाले जो फिजिकली लगाते हैं ना बॉडी पे, वो वाले ये आपने किया. एंड अलोंग विद सुजोग आल्सो. यस यस, कोई प्रॉब्लम. ये स्टैंड वाले सर, ये वाले नहीं, स्टैंड वाले जो स्टिकर मिलता है ना, जो बॉडी पे लगा सकते हैं, उनकी बात कर रहे हैं. यस यस यस, बहुत अच्छी बात. बट इट वाज वेरी टीडियस जॉब. ओके ओके ओके, चलो और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. आपको लोगों को क्लास कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन, और हमें अच्छी प्रैक्टिस करना है. आप किसके साथ भी सीखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज उस लेक्चर को पूछिए. आई वांट प्रैक्टिकल. आपने जो बोला है वो करके दिखाओ. आप में जब हिम्मत होगी, नहीं तो उनको ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, आपको तो डिवाइन है, ऐसा करते रहोगे तो आप रहेंगे, आपके घर में ही रहेंगे, आपका प्रैक्टिस अच्छा नहीं होगा. इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पहले ओल्ड लोगों ने कर दिया वो छोड़ दीजिए, अभी आप आगे आइए. जो भी है यंग ऐसा समझे, न्यू प्रैक्टिशनर बनिए और आगे जाए. मैं 3123123 को अनम्यूट कर रहा हूँ. बोलिए सर. हाँ बोलिए. सकाळी टॉयलेटला जाताना आणि टॉयलेट मधून आल्यानंतर पोटामध्ये जास्त दुखते का पेशंटच्या, तर त्यासाठी सुजग मध्ये कोणते पॉइंट आहेत? ओके, टॉयलेटला जाऊन आल्यानंतर काय जाण्यापूर्वी, जाण्यापूर्वी पण दुखत आणि टॉयलेट न आलं तरी सुद्धा दुखत. टॉयलेट क्लिअर होत का? टॉयलेट एवढं खास क्लिअर नाही होत. वेळ लागतो का? वेळ लागतो का? वेळ लागतो, वेळ लागतो. हा हा, तर तुम्हाला 5-स्टेप फॉर्म्युला इसमें यूज करना चाहिए. तो ये कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है या उनको लंबर में कुछ प्रॉब्लम है? नंबर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बैक पेन वगैरह कुछ नहीं है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है. खाली नावेल चेक किया है, अम्बिलिका चेक किया है, सेट किया है, नावेलिका अम्बिलिका देखा है क्या? हाँ, नावल का भी चेक के वो बराबर है. ओके ठीक है, तो आप आपको एलआई का लोकेशन परफेक्ट टिकी है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट कीजिए, उसके साथ साथ बोन करेस्पोंडेंस सिस्टम यूज कीजिए. बोन करेस्पोंडेंस सिस्टम बोले तो यहाँ आपको जो एनस रेक्टम जो सिग्माइड कॉलन है उसके ऊपर ट्रीट कीजिए, और उनको मसाज करने के लिए एलआई का मसाज. ओके इस तरह आपको उनको ट्रीटमेंट कीजिए और मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए आप, या कल कांटेक्ट कीजिए, मैं और आपको डिटेल बोलूंगा. ओके कितने बजे मुझे 9:30 कीजिए, क्योंकि पेशेंट ज्यादा है, लेकिन 9:30 कीजिए, कॉल करो कल. ओके 9:30 AM की PM? ये AM. AM, ओके ओके थैंक यू. ओके राकेश शर्मा जी वेलकम.
सर मैंने आपको अनम्यूट किया है. यस सर, गुड इवनिंग. माय क्वेश्चन इज दैट के सर आज बेसिकली फॉर सुजुक इन इमरजेंसी. हां राइट. तो इसमें बेसिकली इमरजेंसी के जो मेन थिंग्स है सुजुक इन हार्ट अटैक और हाई बीपी एंड लो बीपी. यस ओके ओके वो मिस हो गया. ओके ओके हां कैसे यूज करना चाहिए. ओके ओके गुड 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 थिंग. समझो कि किसी की हाई बीपी बढ़ गई है और जब कोई आई का ऑपरेशन करने जाते हैं उनकी बीपी बढ़ती है इंस्टेंट. वो डॉक्टर बोलते जाओ बाद में आओ ऐसा होता है. तभी आप क्या कीजिए सब टिप्स के ऊपर ब्लैक कलर लगा सकते हैं. ओके उसके साथ साथ और एक आप कर सकते हैं कि अंगूठे में यहाँ आपको ये रबर थेरेपी यूज कर सकते हैं. टाइट कीजिए. इससे क्या होगा ब्लड प्रेशर कम होगा. इसके ब्रेन में जो कि प्रेशर आता है ये ब्रेन करेस्पॉन्डेंस सिस्टम है. यहाँ ब्रेन है यहाँ तो उसके ऊपर जो प्रेशर जो आता है वो रुकेगा. और यहाँ ब्लूश हुई जब तक होता नहीं ब्लूश मतलब रेड से आगे जाके तभी आपको धीरे 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 इसको रबर को निकालिए और आपका बीपी चेक कीजिए. तो आपको बीपी कम करने में ब्लू कलर यूज कर सकते हैं टिप्स ऑफ द ब्रेन. तो इनसे करेस्पॉन्डेंस सिस्टम की तरह आपको यूज कर सकते हैं. उसके साथ साथ मैंने जो बोल दिया कि ब्लू या ब्लैक कलर उसके साथ साथ आप टिप्स ऑफ द फिंगर्स आप बाउल में आइस क्यूब में डाल सकते हैं. उससे भी आपका ब्लड प्रेशर कम होगा. और हाई या उसके साथ साथ आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा है यहाँ जो नेल के नीचे जो एरिया है हाँ इसमें आप ब्लैक कलर या ब्लू कलर यूज कर सकते हैं. इससे भी ब्लड प्रेशर कम होगा. तो उसके साथ साथ आपको ब्लड प्रेशर और कम करना है तो आपके ये दो लेग्स हैं. ये दो लेग्स है बीपी बढ़ता है मतलब क्या होता है कि आपको ब्रेन या हार्ट को ब्लड अच्छी तरह से नहीं मिलता उनके सिस्टम को. तो ब्लड हमारे ज्यादा ज्यादा ब्लड पैर में रहता है जाता है तो हमारे पैर ऊपर करना चाहिए. ओके इसलिए सुजोक में क्या कर सकते हैं आप सुजोक के पैर में या आप क्या कर सकते हैं कि रबर थेरेपी से आपको पैर को बांध सकते हैं यहाँ. तो इसके वजह से आपका बीपी कम होगा जो बड़ा है वो कम होगा. या आप ब्लड लेटिंग कर सकते हैं. ब्लड लेटिंग टिप से ब्लड लेटिंग कर सकते हैं यहाँ. तो इससे आपका ब्लड प्रेशर जो बड़ा है वो कम होगा. और कम है तो उनको बढ़ाना है तो आप अपोजिट कलर लगाए रेड कलर लगाइए एनर्जी बढ़ाइए पानी दीजिए इस तरह आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. ओके थैंक यू मेरी सर राकेश सर. और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है. ओनली हमारे पास 8 मिनट्स है. ओके सर किसी ने पूछा है आई प्रेशर का कम करने के लिए क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए. आई प्रेशर ये तो प्रियंका मैडम है. नहीं सर सुरेश ढाके प्रियंका मैडम है. ढाके मींस प्रियंका मैडम है. ओके ओके क्यों दो एक वन ईयर से मैं देखता हूँ ना. ओके आई प्रेशर ब्लू कलर यूज कीजिए. ब्लू कलर आई करेस्पॉन्डेंस के ऊपर यूज कर सकते हैं तो उससे आपको बेनिफिट. यस बोला है प्रियंका ने. यस बोला है. ओके ठीक है. तो ब्लू कलर यूज कर सकते हैं. और मैंने एक ट्रीटमेंट दिया था आप चक्रा मैनेट यूज कर सकते हैं. चक्रा सिडेशन कर सकते हैं आप. और आई प्रेशर उसके साथ साथ आपको लीवर को भी लेना पड़ेगा. उसमें लीवर को आप स्टिमुलेशन कीजिए वहां का पॉइंट देके आप ट्रीट कर सकते हैं. या लीवर मेरिडियन का कोल्डनेस के ऊपर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं. आई साइड प्रॉब्लम सर. आई साइड प्रॉब्लम सर कॉन्टैक्ट के लिए क्या. हाँ किरण जी जिंदाबाद. आपको हाँ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको 5-स्टेप फॉर्मूला यूज करना चाहिए. सुजोक में बहुत अच्छे रिजल्ट है. बहुत अच्छे रिजल्ट है. तो आप इसके ऊपर सुजोक वन में आप ट्रीट कर सकते हैं. अः
मेटल नी रिप्लेसमेंट है तो मैग्नेट्रॉन मेरिडियन, तो जब कोई भी ऑपरेट करते हैं तभी हमें लिमिटेशंस होता है। नॉर्मल एनर्जी को हम ट्रीटमेंट करते समय तो एनर्जी फ्लो उसमें इम्बैलेंस है तो हम काम कर सकते हैं, लेकिन मेटल का कोई नी रिप्लेसमेंट हुआ है तो हमें लिमिटेशंस आते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं, यूज करके देख सकते हैं। ओके राठौड़ सर, मैं आपको एडमिट कर रहा हूँ। बोलिए सर राठौड़ जी, मैं आपको एडमिट कर रहा हूँ। कहाँ से ज्यादा आवाज आ रही है? हमारे पास ओनली 5 मिनट्स है। बैक पेन के लिए बताए, बैक पेन के लिए मैंने बताया आप लोगों को इमरजेंसी में आप ऐसा स्टिक लगाइए आपके लोअर बैक एरिया में या जिस एरिया में प्रॉब्लम है उस एरिया में आप लगा सकते हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जिनको बैक पेन है या किसी को कोई भी संधिवात का प्रॉब्लम है ऐसा कुछ है और जेंट्स है मेल है और कोई पार्टीबिलिटी करता है और समझो कि अल्कोहल लेता है तभी उनका बैक पेन बढ़ता है, उसी टाइम आपकी बॉडी सीडेट होती है तभी अच्छा लगता है। हाँ तो इसलिए सबको बताइए कि बैक पेन हो या कोई जॉइंट पेन हो अल्कोहल छोड़ना चाहिए तभी, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। अल्कोहल ये सीडेशन करता है उसी टाइम उनको अच्छा लगता है लेकिन बाद में उनको पकड़ता है पूरा जॉइंट को और आपका एसिडिक बॉडी बनता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, अल्कोहल या नॉनवेज जो ज्यादा खाते हैं उन्होंने कम करना चाहिए। ओके तो और क्या, हाँ यूरिनेस के लिए आप यूबी के ऊपर यूरिनरी ब्लैडर करेस्पोंडेंस के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, रेड कलर लगा सकते हैं, सेडेशन कर सकते हैं उनको। तो उसके साथ साथ आप हाँ सर वन साइड पैरालिसिस के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ वन साइड पैरालिसिस के लिए आपको 5-स्टेप फॉर्मूला यूज करना चाहिए, बहुत अच्छा है। मैंने ओनली सुजोक टू का ट्रीटमेंट करके वन पैरालिसिस इंस्टेंट कम कर दिया था लास्ट 2 इयर्स पहले। सतवन जी मालूम है आपको? यस सर, बिफोर आफ्टर आपने वीडियो, हाँ बहुत ट्रेमेंडस रिजल्ट, वो मेरे पास डायरेक्ट आ गया होने के बाद 2 घंटे के अंदर मेरे पास आ गया। ओके तो मुझे बहुत बहुत पावरफुल मतलब लगता है मुझे बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छा थेरेपिस्ट बना हूं, मतलब इतना फास्ट रिजल्ट आ गया था पैरालिसिस का। फंगल इंफेक्शन, जेनिटल फंगल इंफेक्शन के लिए स्किन करेस्पॉन्डेंस सिस्टम यूज कीजिए, लेकिन वो देखना है डायबिटिक पेशेंट है क्या देखना चाहिए किरण जी, वो तभी आपको वो इनको उसके साथ साथ आपको एलोपैथी मेडिसिन यूज कीजिए। ओके ज्यादा वेटिंग मत कीजिए, ज्यादा हो सकता है। हाँ हेयर फॉल के लिए 5-स्टेप फॉर्मूला यूज करना चाहिए आपको, सब आपके विटल ऑर्गन्स का इसके ऊपर आपको ट्रीट करना पड़ेगा। ऐसा फास्ट आपका जिम्मी लेकर ऐसा चेक मत कीजिए और लगा के ऐसा करेगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। मैं सबको डायरेक्ट बात बोलना चाहता हूँ, आप जितना टाइम पेशेंट को देंगे उतना रिजल्ट अच्छा मिलेगा। 15-20 मिनट पेशेंट को टाइम देना पड़ेगा आपको, निडर लगाने के बाद 20-30 मिनट रहते कि नहीं तो सुजोक वन करने में भी आपको उतना टाइम देना पड़ेगा तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट ऐसा नहीं तो आप टेप लगा के रखोगे मुख की पट्टी इसकी पट्टी उसकी पट्टी लगा के यहाँ आया दबाया आया दबाया ऐसा किया तो नहीं रिजल्ट आता, आता ही नहीं रिजल्ट। ओनली इंस्टेंट थोड़ा बहुत अच्छा आता होगा और जब तक वो भाग जाता है तब तक फिर स्टार्ट होता है। ओके तो हाइट इंक्रीज करने के लिए आप लोगों को एक कोर्स में बना रहा हूँ, वो 100% आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन मैं जो रेसिडेंटल कोर्स किया है कर रहा हूँ उसमें सब मैं सिखाऊंगा, फुल एक्यूपंक्चरिस्ट सब कुछ आना चाहिए उस कोर्स में ये सब कुछ, लेकिन उनको बेसिक नॉलेज मालूम होना चाहिए। स्काल्प के बारे में थोड़ा बहुत तो मालूम होना चाहिए, एरिकुले के बारे में थोड़ा बहुत तो मालूम होना चाहिए। मैं पूरा डिटेल थ्योरी नहीं लूंगा, मैं यहाँ जाओ रिजल्ट मिलेगा। चलो ओनली वन राइफल से वो पेशेंट को आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं।
ओके आगे नावेल डिस्प्लेसमेंट के लिए आप पैर के जो आपका लेग कम है लेग देख के आप अंगूठा ओढ़ के कर सकते हैं या आप सुजोग के इस तरह हाथ लगा के आपको पता है इस तरह ऐसा करके आप फिंगर से यहाँ से कर सकते हैं या आप कप लगा के जो नावेल कप होता है वो उसे कर सकते हैं या आप जिम्मी से मिनी करस्पॉन्डिंग सिस्टम में आपको जितना पावरफुल एनर्जी है उसी प्रकार से कर सकते हैं। टेक्निक्स अलग अलग है या आप थ्रेड से थ्रेड करना ये बहुत काम लगता है और चेस्ट यहाँ डिस्टेंस रखना और वो करना बहुत लेंथी प्रोसेस है तो इस तरह आप कर सकते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स है नावेल रिप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो बराबर करने के लिए। ओके और कुछ क्वेश्चन तो अभी वन मिनट है। मैं सबका स्वागत और अभिनंदन कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ मेरे साथ जुड़े हुए हो। जिनको कॉन्टेक्ट करना है कोर्स करना है वो जल्दी मेरे से कॉन्टेक्ट कीजिए। मैं आपको सबको यूरी थेरेपिस्ट को 20 पेशेंट होना चाहिए ये टारगेट रख के आगे मैं जाऊंगा। आप भी मेरे साथ साथ आइए हम सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर बनेंगे ये बोल के yes, मैं आज का क्लास यहाँ एंड करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ओके।